नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में अब दूसरा मैच एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से पहला मैच जीत चुकी है, लेकिन अभी भी इस सीरीज के दो मैच बाकी हैं। और टीम इंडिया अगर इस सीरीज का एक भी मैच जीत जाती है तो टीम इंडिया एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और टीम इंडिया ये साबित कर देगी कि टीम इंडिया ना सिर्फ इंडिया में बल्कि कहीं भी जाकर के जीत सकती है। और इससे एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि कप्तान विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया पहली बार साउथ अफ्रीका में जाकर कोई टेस्ट सीरीज जीत पाएगी, क्योंकि टीम इंडिया बहुत लंबे अरसे से साउथ अफ्रीका में किसी भी तरह की कोई सीरीज जीत नहीं पाई है। और आज ये कारनामा हो सकता है। जी हां, आपको बता दें आज 1:30 बजे से एक बार फिर से टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में सेकंड टेस्ट मैच खेला जाना है। और इस मैच को विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि विराट कोहली को पता है ये मैच जीतना कितना जरूरी है। ऐसे में विराट कोहली बेहद ही शानदार प्लेइंग 11 लेकर उतरने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी प्लेइंग 11 के बारे में बताने वाला हूं कि आज टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है और कौन से खिलाड़ी को मौका मिलेगा, साथ ही किस खिलाड़ी को आज बाहर किया जा सकता है। इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भारत की आज क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, और उसके बाद बात करेंगे कि किस टीम के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो दोस्तों, आज जो भारत की प्लेइंग 11 रहेगी उसमें आप सभी को सबसे पहले केएल राहुल देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले मैच में बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी इन्होंने जीता था। नंबर 2 पर रहेंगे मयंक अग्रवाल, जिन्होंने केएल राहुल के साथ बेहद ही शानदार पार्टनरशिप की थी पहली पारी में। उम्मीद करते हैं कि आज भी मयंक अग्रवाल कुछ ऐसा ही कारनामा करेंगे। इसके अलावा नंबर 3 पर एक बार फिर से चेतेश्वर पुजारा को मौका मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि चेतेश्वर पुजारा अपनी बुरी फॉर्म को आज तोड़ेंगे और एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए अच्छी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा नंबर 4 पर आप सभी को विराट कोहली देखने को मिलेंगे। विराट कोहली भी बुरी फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी बेहद ही सफल रही है टेस्ट मैच में। तो उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली की कप्तानी की तरह ही आज विराट कोहली का बल्ला भी सफल होगा। इसके अलावा आपको 5वें नंबर पर अजिंक्य रहाणे देखने को मिलेंगे। अजिंक्य रहाणे भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। आज अजिंक्य रहाणे के लिए बहुत जरूरी है कि वो अच्छी प्रदर्शन करके टीम इंडिया में एक बार फिर से अपनी जगह बनाए। इसके अलावा आप सभी को ऋषभ पंत देखने को मिलेंगे, जो कि विकेट कीपिंग करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही रवि चंद्रन अश्विन को एक बार फिर से मौका मिलने वाला है। पिछले मैच में ज्यादा कुछ खास कर ना सके थे अश्विन, तो आज इनके ऊपर भी निगाहें होंगी। साथ ही शार्दुल ठाकुर को मौका मिलेगा और पिछले मैच के हीरो रहे मोहम्मद शमी को एक बार फिर से मौका मिलने वाला है। साथ ही जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भी खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये रहने वाली है भारत की प्लेइंग 11। अब भारतीय खिलाड़ी को आज का मैच जीतकर एक बार फिर से साउथ अफ्रीका में खिताब लिखना है और टीम इंडिया ये कारनामा कर भी सकती है। और इसी वजह से केएल राहुल का चलना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही, साथ ही साथ उन खिलाड़ियों का चलना भी जरूरी है जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। साथ ही भारतीय गेंदबाजों को भी पूरी तरह से सहयोग करना होगा और टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में इतिहास आज रचने वाली है। तो यही था वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बताना कि कौन सा खिलाड़ी आज शानदार परफॉर्मेंस करने वाला है, साथ ही क्या भारत ये मैच जीत पाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।